बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये सवाल आ रहा है कि यूपी आयुष काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी और रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ यूपी आयुष काउंसलिंग की एक्सपेक्टेड डेट। तो अपने सवाल का जवाब जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। मेरा नाम है चंद्रिका सिंह, BMS फोर्थ ईयर स्टूडेंट, और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल आयुर्वेदा एट ईज में। तो बात कर लेते हैं कि यूपी आयुष काउंसलिंग की जो कंडक्टिंग अथॉरिटी है दैट इज़ योर यूपी आयुष सोसाइटी। अब यूपी आयुष काउंसलिंग के थ्रू आपके जो उत्तर प्रदेश के BAMS, BHMS और BUMS के कॉलेजेस हैं उनकी गवर्नमेंट और प्राइवेट सीट्स के लिए काउंसलिंग प्रोसीजर कराया जाए। पिछले साल काउंसलिंग करवाने का टेंडर एक एजेंसी को दिया गया था जिसके बाद काफ़ी मनमाने तरीके से एडमिशन्स और काउंसलिंग का प्रोसीजर किया गया था। इस सभी को मद्देनज़र रखते हुए इस बार ये फैसला लिया गया है कि इस बार जो काउंसलिंग है वो NIC कंडक्ट करवाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें कि एक्सपेक्टेड डेट क्या है, तो ऐसा कहा जा रहा है कि जो यूपी आयुष काउंसलिंग का स्केड्यूल है वो रेडी हो चुका है और किसी भी टाइम ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ सकता है रजिस्ट्रेशन डेट्स को लेके। बट जो हाईएस्ट चांसेस हैं रजिस्ट्रेशन स्टार्टिंग डेट की एक्सपेक्टेशन के, दैट इज़ इन द फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी। तो ऐसा कहा जा रहा है कि जनवरी के फर्स्ट वीक में आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे। तो अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, स्टूडेंट्स अपनी तैयारी कर लें, अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लें। और बाकी इसके सिवा और भी डाउट्स अगर किसी को हैं तो मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जहाँ पे डॉक्यूमेंट्स और क्या काउंसलिंग का प्रोसीजर रहा है अभी तक, उस सभी के बारे में मैंने डिटेल दी है उस वीडियो में। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। एंड अपनी तैयारी सभी लोग अच्छे से कर लें, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें कम्प्लीट रखें, और जो आपको कॉलेज ऑप्ट करना है अच्छे से लिस्ट बना लें चॉइस फिलिंग के लिए। सो यस, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, एंड आगे भी अपडेटेड रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।